ये है कि आपको चार ऑप्शन मैं दे रहा हूं, उसमें से आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन कौन शो कर रहा है। पहला ए स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग, नॉट स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर है केमिकल रिएक्शन। बी लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। सी कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिस्क इन द ओपन। डी हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। कौन सा ही है? डी डी। वेरी गुड। डी यहां भी सही जवाब आया। गर्ल्स क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट इज कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके क्वेश्चन सुन ली। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट इज कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट से, ऑप्शन डी पार्शियली ट्रू और फॉल्स। आवाज नहीं बॉयज, ऑनलाइन वाले बोलिए अगर आपको मालूम है तो। क्वेश्चन फिर बोल दें। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट इज कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। ए ट्रू, बी फॉल्स, इधर गर्ल्स थी, इधर तो आंसर आ गया ऑनलाइन से। पास का सिस्टम नहीं है। बोलो जल्दी। फॉल्स, रॉन्ग, ट्रू। ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, कि जितना रिएक्टेंट की तरफ होगा। हाँ कौन है आप? हेलो कौन बच्चे बोल रहे हैं? कौन बच्चे बोल रहे हो ये बात? हाँ हाँ बॉयज कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवेन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिएगा जरा, पीवीएनओ थ्री होल टू एक्वस प्लस टू के आई एक्वस गिव्स पीवीआई टू एक्स प्लस के एन ओ थ्री वाई। ये एक्स वाई में आपको फिल करना है। क्या है? पहला है एक्वस एंड एक्वस, दूसरा है सॉलिड एंड सॉलिड, तीसरा है एक्वस एंड सॉलिड, चौथा है सॉलिड एंड एक्वस। बॉयज क्वेश्चन ऐसा ही आएगा बच्चे, आप लोग को फैमिलियर करने के लिए मैं बता रहा हूं। जो टर्म वन सीबीएसई के द्वारा आयोजित होगा वो ऐसा ही होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खासियत ये है कि स्कोरर है बट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डिमांडिंग। डी सही है। वाह बॉयज इनको ठीक ठाक है, सही कर रहा है। ये आप जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाई हुई थी उसी समय बताया गया था प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत कलर चेंज भी इसमें पढ़ते हैं हम लोग, है ना, येलो, और साथ में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी होता है। ये प्रेसिपिटेट है ना, तो सॉलिड हो गया और ये डिजॉल्व हो जाता है।
गुड, धीरज कंफर्म किया ना, तुम लोग पहले सी में जा रहे थे। चलिए गर्ल्स, यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है Cu प्लस XHNO3 gives Cu NO3 whole 2 plus YNO2 YNO2 plus 2H2O। X और Y में क्या फिलअप होगा ये सवाल है, बता देता हूं। ऑप्शन ए 4-2, ऑप्शन बी 3-5, 2-3, 4-4। गर्ल्स ऑनलाइन में भी यदि कोई गर्ल्स देख रही हैं तो वो बता सकती हैं आंसर, लेकिन ऐड नहीं होगा यहाँ। यहां जो एक्स वाई लिखा हुआ है उसमें क्या भराएगा? देखिए हमारे गर्ल्स टीम में डिस्कशन चल रहा है, उसको दिखा देना ठीक रहेगा। इधर से किसी का आवाज ऑनलाइन से? बच्चे हमारे जवाब देने के लिए सोच रहे हैं। कौन? ए बी सी डी कौन? ए। ए गलती है, ए सही है। हाँ, जैसे इसमें ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यही देख लो। 2-2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ X, यहाँ भी 4 होना चाहिए हाइड्रोजन, 4 मैच कर गया। Y के लिए अगर सोचना है, पूरा कह दिए बैलेंस करें, Y के लिए सोचना नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ओके। तुम लोग भी ऐसे ही सोची थी क्या? अरे वाह, हम सोचे पूरा बैलेंस ही करने तो नहीं लग गए मैं। चलो बहुत अच्छा गर्ल्स टीम, टेंथ सी में जो कर रहा है उसमें टाई रहा। बॉयज एक रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। वैष्णवी प्रिया, रिएक्शन है CuO F प्लस H2O लिक्विड गिव्स CaOH होल 2 एक्वस, ठीक। पहला दिया हुआ है, अभी ये ऑप्शन नहीं है, डिटेल्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शॉर्ट में समझिए। टू में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोर्थ है एक्सोथर्मिक। ओके, ऑप्शन नहीं है ये, ऑप्शन अभी नहीं है। अब ऑप्शन ए क्या सिर्फ 3 होगा? ऑप्शन बी क्या पहला और तीसरा दोनों होगा? क्या दूसरा और चौथा दोनों होगा? क्या सिर्फ एक होगा? आप ऑनलाइन से कुछ जवाब आ रहा है? सब लोग समर्थन दे रहे हैं जो एक बच्चा ऑनलाइन में बोल रहा है? बहुत कम लोग की आवाज आ रही है,
मैं सोचा था कि सब लोग एकदम खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रहा है आवाज में। इधर है ना, देखो बॉयज टीम को दिखा दिया जाता है, वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए हमारे बॉयज टीम को, देखते हैं क्या आंसर देता है। हाँ पूरा एक्सक्यूज देख, बोलो भाई। हाँ हाँ तुम लोग ऑनलाइन का सुन लिए हैं, अरे ओहो बड़ा ध्यान दिया यार। देखो ए ऑनलाइन वाला, देखो मेरा एक बच्चा यहाँ कितना अच्छा है कि पहले क्वेश्चन सुधरवाया, सही बात बोला कि यहाँ कॉपर है यहाँ कैल्शियम लिखे हैं, वेरी गुड धीरज। और धीरज ने जवाब दिया है सेकंड विच इज रॉन्ग। आंसर होगा सी, क्योंकि पहला तो ये हो गया कि दिस इज कॉम्बिनेशन, यानी ए प्लस बी गिव्स ए बी कॉम्बिनेशन। और दूसरा ये ध्यान दो दूसरा ये कि आपको ये भी जानना है, बहुत बार मैंने पढ़ाया आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक और डिकम्पोजिशन होता है एंडोथर्मिक, है ना जी। हाँ तो हमारे बॉयज टीम पहली बार जीरो लाए हैं, गर्ल्स टीम में खुशी की लहर, ताकि मैच टाई हो जाए। अभी तो टाई होने का ना सोचना है, उसके बाद विन करना है ना सुगंध। पास नहीं, पास सिस्टम सब, उसमें बहुत हिसाब किताब करना पड़ता है, तो तब 10 चलता और पास का 5 होता। नहीं ठीक है, चलिए गर्ल्स, हो सकता है कि तुम लोग में फिर खुशी की लहर दौड़ जाए, मे भी ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट, A 5, B 7, C 2, D 4. सिद्धि श्री ऐसा नहीं करना है। हाँ ऑनलाइन वाले बंद कर दो, बुक बंद कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी है, देखिए गर्ल्स टीम को दिया गया है। क्वेश्चन इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड, ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट, ए 5, बी 7, सी 2 और डी 4। बॉयज टीम में किसी को आता है तो हामी भर दो, हाथ उठा सकते हो, लेकिन कोई मार्क्स वगैरह का बात नहीं। आता नहीं। ऑप्शन 5, 7, 2, 4 कौन है आप? अरे वाह, चलो तुम गर्ल्स टीम का रिप्रेजेंट कर रही हो, आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन यहाँ की जो गर्ल्स है वो अभी नहीं बता रही। बोलो फाइनली, बोलो जल्दी। 4 इज रॉन्ग आंसर, 7 FeCSO4 7H2O। प्रज्ञा कुमारी फ्रॉम 10th B का जवाब आया था सही, ठीक है वो सही जवाब है। अगले बार से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को ऐड कर देंगे हम, नहीं ऑनलाइन को इसमें नहीं रखना अभी, नहीं अगले वर्ष, अगले वर्ष।
और उसमें तो जो हम सुनेंगे वही है, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओ जीरो, ओहो बॉय, हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन प्रोड्यूसेज ए फ्लैट लाइन, एक बी क्विक लाइन, सी लाइम वाटर एंड डी कास्टिक सोडा। देखिए वॉइस चेंज, हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन प्रोड्यूसेज ए फ्लैट लाइन, बी क्विक लाइन, सी लाइम वाटर। क्विक लाइन सही जवाब है, बहुत अच्छा। ऑनलाइन में कोई जवाब नहीं दिया, क्विक लाइन ठीक बोला कि CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, CaO क्विक लाइन। वेरी गुड धीरज कुमार। पढ़ता है बच्चा, हाँ। गर्ल्स पहले इच्छा टाई करने की, उसके बाद जीतने की, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट, ए ट्रू, बी फॉल्स, सी कैन नॉट से, डी पार्शियली ट्रू फॉल्स। लास्ट ऑप्शन है पार्शियली ट्रू और फॉल्स, ए है ट्रू, बी है फॉल्स, सी है। क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट। ए बोल रही हो, तुम बोल रही हो, क्या बोल रही हो, फॉल्स बोल रही है, सही है। हाँ बॉयज, द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सुन लिया क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक, बी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी, सी है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन बी सही है। वाह धीरज तो महंगा खिलाड़ी है, हाँ तुमसे सपोर्ट ले लेता है, एक बार देख लेता है कि हाँ ठीक, हमारे रिसर्च ये तो नोट्स, हाँ। गर्ल्स टीम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जानकारी है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, फिर से एक बार बोल देते क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is A 1:1, B 2:1, C
see 4:1, day 1:2. क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, ये हम बहुत बार बताएं. वन इज टू वन is wrong. One is to two, wrong. 2:1 is right. याद कीजिए, आपको मैंने बताया था, एक बीकर लिया था, उसमें पानी लिया था, उसमें इलेक्ट्रोड लगाया था, उसमें इन्वर्टेड ग्लास जार रखा था, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया था, है ना? और जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ था तो मैंने पाया कि हाइड्रोजन वाले में ज्यादा गैस फिलअप हुआ और जिसमें ऑक्सीजन जमा हो रहा था वो कम था. ये 2 वॉल्यूम था. क्यों था 2 वॉल्यूम? उसके पीछे भी कारण, क्योंकि H2+O2 गिव्स H2O. ओके, जब मैं यहां बैलेंस करता हूं तो ये 2 होता है और ये 2 होता है. आप यहीं पर देखें कि हाइड्रोजन का डबल वॉल्यूम और ऑक्सीजन का सिंगल वॉल्यूम, इसीलिए 2:1 आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बच्चा से क्या, बड़ा से भी गलती होता है, ऐसा मत सुनो. बोला जाता है कि टू एयर इज ह्यूमन. टू एयर इज मतलब नहीं पता. मानव का गलती करना स्वभाव है. अगर गलती नहीं करेगा तो भगवान हो गया. आइए, 0 ना हो गया. हमको लग रहा है ना, किसी सेक्शन में जा रहे है, 0 ही जीत रहा. मतलब अगर बाकी अंक का लड़ाई हो जाए कि कौन जीता, 0 कहेगा हम जीते. देखो अभी भी जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ओ 6 जी. अच्छा, 0 और 5 का लड़ाई भी लगवाते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 6, इसको भी देखते हैं. लगे हाथ एक सेक्शन में तो बोला लगातार, एक बार 5 तो लगातार 0, इधर 0 तो फिर 5. चल, दोनों का मैच हो रहा है. ग्रुप बॉयज का है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज, है ना? देखो यहीं पर एक, अगर वाच करो, जब हम इधर क्वेश्चन देख दे रहे हैं तो धीरज का या और भी 2-3 बच्चा का एकदम निगाह कान सब सचेत रहता है, और जब तुम लोग को देख रहे दे रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स में लग रही है. उसी में अगर फंस गया तो फंस गया, है ना? ऐसा लग रहा है कहीं से फंस जाए क्वेश्चन का आंसर, लेकिन इधर एकदम पैनी निगाह है, कान. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज by the action of sunlight. ठीक, A KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, B AgBr, C MgO, D NaCl. क्या होगा ऑनलाइन, B या C? वेरी गुड. ऑफलाइन में भी जवाब यही आया है. बॉयज टीम 5, गर्ल्स. अब देखो इधर देख के हमको क्या लग रहा है ना, ओह फिर आ गया क्वेश्चन. इधर लगता है कि जैसे एकदम जूझना है, इधर लगता है ओह थोड़ा सा तो आराम हुआ था.
what will happen when silver chloride is placed in sunlight for some time. Okay, सिल्वर क्लोराइड था और तुम लोग से पूछा जा रहा है होगा क्या उसका. ए, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे कलर्ड कंपाउंड. ओके, ऑप्शन ए क्या है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे कलर्ड कंपाउंड. बी में है डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस. सी है, डी कहता है ए और बी दोनों ठीक है और डी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. और ए है, कौन है आप? ओ वही प्रज्ञा. इधर की गर्ल्स तो अभी सोच रही है, दिखा देते हैं. देखो ये 10th सी की छात्राएं हैं. 10th बी की छात्र. ओह प्रज्ञा तुम्हारे ही क्लास की है ये सर. ओहो इस समय तो कुछ बुद्धि लगाया जाता है ना. प्रज्ञा तुम आ जाती तो आज मैच का निर्णय और हो सकता था, बदलता या कंपटीशन टाइट हो जाता, नेक एंड नेक हो जाता. जो बोलना है जल्दी बोल दो, ये आ रहा है आवाज, जो बोलना है जल्दी बोल दो. मतलब सही बोलना नहीं बोला जा रहा है, जो बोलना है बोल. चलो फाइनली यही जवाब आया है, बोलिए. सी सी सही है. और ऐसे ही सोचना चाहिए था कि ए और बी कह रहा है, सी में बोथ कह रहा है, तो उस पर थोड़ा शक जाना चाहिए. हाँ, या ऑल द अबव ऐसा कुछ ऑप्शन रहता तो शक कीजिए, इतना विशेष कर क्यों दिया है वो. लेकिन ऋषभ तो कुछ हट कर दिया. चले ग्रुप ये ये कितना हो गया जी. हाँ बॉय टीम, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स गैस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स गैस. ओके, वो गैस क्या है? ए लेड ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. ए है लेड ऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. प्रज्ञा हो? वेरी गुड प्रज्ञा. देखो ये सब सोच रही है, आज आ जाती कितना अच्छा. बॉयज टीम भी कंफ्यूजन में है और गर्ल्स मना रही है गलत बोल दे. कौन सा? सी सी बोल रहे हो? क्या बोलता है? हम देखो फिर बोल देते हैं ऑप्शन. लेड ऑक्साइड है बी, ए बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. क्वेश्चन तो वही है कि लेड नाइट्रेट को हीट कर दिए तो ब्राउन फ्यूम बना.
तुम बुक क्यों खोला जी है? लगा दे फाइन सोच लिया ना फील आउट कर दे। चलो सही है। रुपया यही मिलेगा कि आप अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा टेंथ में, और क्या, यही रुपया है। कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए? कौन बनेगा करोड़पति भी जाओ, है ना? और उसके लिए पहले आप 10 साल कम से कम उसको ये मैसेज करते रहो सही का। चलो गर्ल्स का कर लेते हैं। द कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज व्हाइट सॉलिड, इट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड येलो सॉलिड ऑक्साइड एक्स। व्हाट इज एक्स? कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज अ व्हाइट सॉलिड, ठीक है। इट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड येलो सॉलिड ऑक्साइड एक्स। व्हाट इज एक्स? ए जिंक ऑक्साइड, बी लेड ऑक्साइड, सी सिल्वर ऑक्साइड, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जल्दी बोल दो। ऑप्शन है ए जिंक ऑक्साइड, बी है लेड ऑक्साइड, सी है सिल्वर ऑक्साइड, डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन था कि कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज अ व्हाइट सॉलिड और उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और येलो सॉलिड एक्स में। वो एक्स क्या है? आसान तो है जी, अगर गौर करो क्वेश्चन पे। कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज अ व्हाइट सॉलिड, अगर इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक एक्स बनता है। सोच लो हीट करके देखो, क्या लेड का कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं? ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया, जल्दी बोल दो, जो बोलना है बोल दो ना, यही तो बोलना है।